हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोंग वंश और कण वंश के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सोंग वंश, जिसने मगध पर सोंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र जो सोंग थे वो किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के, और उन्होंने मगध पर सोंग वंश की नींव डाली थी। मतलब सोंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सोंग ने, और ये किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। सोंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। मतलब सोंग जो शासक थे उन्होंने अपनी जो राजधानी कहाँ स्थापित की थी, विदिशा के अंदर। पुष्यमित्र सोंग के द्वारा सोंग वंश की स्थापना की और ये ब्राह्मण जाति से थे। और सोंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, विदिशा के अंदर। इंडो यूनानी शासक मिंडार को पुष्यमित्र सोंग ने पराजित किया था। मतलब जो इंडो यूनानी शासक मिंडार था उसको किसने हराया था, पुष्यमित्र सोंग ने हराया था। पुष्यमित्र सोंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया। मतलब पुष्यमित्र सोंग जो थे उन्होंने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि अश्वमेध यज्ञ कराए, पतंजलि ने ये जो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, और पुष्यमित्र सोंग ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सोंग ने करवाया था। मतलब जो बरहुत का जो स्तूप है उसका निर्माण भी किसने करवाया, पुष्यमित्र सोंग ने करवाया। सोंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर कणव वंश की स्थापना की गई। मतलब जो है सोंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व किसने कर दी, वासुदेव ने। मगध की गद्दी पर कण वंश की स्थापना, मतलब कि वासुदेव ने इसकी हत्या करके कौन से वंश की स्थापना कर दी, कण वंश की स्थापना कर दी। सोंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, और पहला शासक कौन था, पुष्यमित्र सोंग, जिसने स्थापना की, और अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी, वासुदेव ने करके मगध पर कण वंश की स्थापना की। ठीक है, कणवंश का अंतिम राजा सुसुरमा था। मतलब जो कणवंश का अंतिम राजा था वो कौन था, सुसुरमा। सातवान राजवंश, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुसुरमा की हत्या कर दी और सातवान वंश की स्थापना की। मतलब कि कणवंश का अंतिम राजा जो सुसुरमा था उसकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने इसकी 60 ईसा पूर्व हत्या कर दी। किसकी, सुसुरमा की हत्या सिमुक के द्वारा हत्या कर दी गई 60 ईसा पूर्व, और सातवान वंश की नींव रखी। सातवान शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, मतलब कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। कहाँ की, मतलब जो सातवान वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, प्रतिष्ठान के अंदर। और सातवान वंश की स्थापना कब हुई थी, 60 ईसा पूर्व किसने की, सिमुक ने सातवान वंश की स्थापना की, और किसकी हत्या के द्वारा की गई, सुसुरमा की हत्या के द्वारा की गई। सातवान वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सत्कर्णी गौतमीपुत्र, सत्कर्णी वशिष्ठपुत्र, पुलुमावी, यगत्री और सत्कर्णी। कौन से सातवान वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, सिमुक, सत्कर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पालुमावी तथा यगश्री, सातकर्णी। ये इनके सातवान वंश के प्रमुख शासक थे। आगे देखिए, सत्कर्णी ने दो अश्वमेघ यज्ञ तथा एक राजसु यज्ञ किया। सत्कर्णी जो था उसने दो तो अश्वमेघ यज्ञ किए और एक राजसु यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ कितने किए, दो किए, और राजसु यज्ञ कितने किए, एक। सातवान शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। मतलब जो सातवान शासकों के समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गथा सप्तशती एवं गुणाढ्य ने वृद्ध कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। सातवान शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, हाल और गुणाढ्य थे। आगे देखिए दोस्तों, सातवानों ने चांदी के सिक्के, चांदी तांबे शीशा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवान अपना सिक्का डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। मतलब सातवान जो शासक थे उन्होंने चांदी तांबे शीशे पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। इन्होंने किस किस कौन सी मुद्राओं का प्रचलन किया, चांदी तांबे और सिक्के
सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवां, अपना सिक्का जिस शीशे से डालते थे उसे कहाँ से मंगवाया जाता था? रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि देने का काम भी पहली बार किसने किया था? जो प्रथा चलाई थी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई थी? सातवाहन शासकों ने चलाई थी। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेख परिणाम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। मतलब कि जो ब्राह्मणों को भूमि देने की जो प्रथा है वो सबसे पहले किसने चलाई थी? सातवाहन शासकों ने चलाई थी। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? नाना घाट अभिलेख के अंदर इसका वर्णन मिलता है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने की बात की गई। मतलब अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को एक गाँव देने की बात कही गई है। आगे देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। मतलब जो सातवाहन शासक थे उनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। सातवाहनों में हमें मात्रात्मक ढांचे का अभ्यास मिलता है आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। मतलब जो सातवाहन जो शासक थे उनमें हमें मात्रात्मक ढांचे का, मतलब कि माता जो थी उनके ढांचे का अभ्यास मिलता है, क्योंकि उन जो राजाओं के नाम थे वो माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल जो था वो कैसा कुल था? पितृत्मक कुल था, क्योंकि राजशासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। कैसा कुल था सातवाहनों का जो कुल था वो कैसा था? पितृत्मक था। राजकुल पितृत्मक था क्योंकि राजशासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही बैठता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। मतलब कि जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ग्रामीण प्रशासन का काम एक गोलमिक नामक अधिकारी को सौंपा था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का जो क्या था? प्रधान था, जिसके नीचे नौ रथ, जो गोलमिक के अंदर एक सैनिक टुकड़ी होती थी उस सैनिक टुकड़ी के अंदर नौ रथ होते थे, नौ हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। आगे देखिए, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कारले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। मतलब सातवाहनों ने जो महत्वपूर्ण कृतियाँ की है उनका उल्लेख है, कौन सी है? एक तो कारले का चैत्य, अजंता और अलोरा की गुफाएं एवं अमरावती कला का विकास। सत्कर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। मतलब जो सत्कर्णी और अन्य जो सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। मतलब जो सातवाहन राज्य था उसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक पुल का काम किया है। आगे देखिए, चंदी राजवंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चंदी राजवंश का उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा लेख से मिलती है। मतलब क्या है कि अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चंदी राजवंश का उदय हुआ। मतलब जब अशोक की मृत्यु होगी तो उसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आथिगुम्ब अभिलेख उड़ीसा से इसकी जानकारी मिलती है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। मतलब जो है चंदी वंश का जो प्रतापी राजा कौन था? खारवेल चंदी वंश का प्रतापी राजा था। और अशोक की मृत्यु के बाद चेदी राजवंश की स्थापना की गई, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें आथिकुम भाविलेख से मिलती है कि चेदी वंश राजवंश की का उदय हुआ था अशोक की मृत्यु के बाद। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जो मतलब चेदी वंश का जो प्रतापी राजा था वो कौन था? खारवेल था। और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। क्या था? जो खारवेल था वो जैन धर्म को मानने वाला था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इंदो यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। मतलब कि जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे उनका जो क्रम है वो किस प्रकार है? इंदो यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने
अक्षुणु बढ़ाया, मतलब जो सेल्यूकस के द्वारा जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया में जो विशाल साम्राज्य स्थापित कर रखा था उसको किसने संभाला उसके बाद? एंटियोकस प्रथम ने संभाला। एंटियोकस प्रथम के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। मतलब जो सेल्यूकस ने जो पश्चिमी और तथा मध्य एशिया के अंदर जो साम्राज्य स्थापित कर रखा था, जब एंटियोकस ने उस पर शासन किया तो विद्रोह के फलस्वरूप उन क्या हुआ, उन साम्राज्यों के अंदर विद्रोह होने शुरू हो गए और विद्रोह से वे क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए कई प्रांत। आगे देखिए ब्रिक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोक्टस प्रथम ने किया था। ब्रिक्ट्रिया पर डियोक्टस प्रथम के साथ इन राजाओं ने कर्मश क्या था, यूक्रेटस एंटिस और कर्मश शासन किया। कौन सा था, डियोटिस सेकंड, यूथिडेमस, डेमिट्रियस मिंडार, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्डिकस एवं आर्मिकस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिक्रेटस ने किया था। मतलब भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, बैक्टीरिया के शासक डेमिक्रेटस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे इंद यूनानी एवं बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। मतलब कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिक्रेटस ने किया था। मतलब भारत पर पहला जो आक्रमण है वो बैक्टीरिया के शासक किसने किया था, डेमिक्रेटस ने किया था। कि कब किया, 190 ईसा पूर्व में भारत पर इसने आक्रमण किया। तो आक्रमण करके जो कौन सा, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर इसने अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी शाकल बनाई। यो जो डेमिट्रियस जो था, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, शाकल बनाई। इसे हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। आगे देखिए दोस्तों, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ है। मतलब जो हिंद यूनानी जो शासक थे उनके अंदर सबसे जो विख्यात है, जिसके बारे में चर्चा की गई, वो कौन था, मिंडार था। इसकी राजधानी शाकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मतलब आधुनिक सियालकोट सबसे जो प्रमुख कौन था, हिंद यूनानी शासकों के अंदर जो विख्यात हुआ था, सबसे मशहूर हुआ कौन था, मिंडार था। और इसने अपनी राजधानी शाकल जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी वो बनाई। मिंडार ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मतलब जो मिंडार था उसने मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, नागसेन से ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा। मतलब मिनांडर जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मिनांडर ने जो नागसेन से जो प्रश्न पूछे थे और नागसेन ने जो उत्तर मिनांडर को दिए थे वो एक पुस्तक के अंदर संग्रहित है। उस पुस्तक का क्या नाम है, मलिंद पिन्नो अर्थात मलिंद के प्रश्न या मलिंद प्रश्न। मिंडार के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। मतलब कि मिनांडर ने जो प्रश्न किए और नागसेन ने जो उत्तर दिए वो कौन सी पुस्तक के अंदर है, मिलिंद पिन्नो के अंदर अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। आगे देखिए दोस्तों, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए हैं जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। मतलब कि हिंद यूनानी ऐसे पहले शासक थे जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में पता चल सकता है कि सिक्के किसके हैं। क्या बताना चाह रहा है कि हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में बताया जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। मतलब कौन से राजाओं के सिक्के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे भारत में, हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे एलिनिस्टिक आर्ट कहा जाता। भारत में गंधार कला इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो हिंद यूनानी शासक थे उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला, मतलब जो हिंद यूनानी शासक थे उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर के जो सीमा प्रांत थे उनके अंदर यूनान की एक प्राचीन कला चलाई जिसे क्या कहते थे, एलिनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। भारत में गंधार कला इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका उत्तम उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास का योगदान किया। मतलब पर्दे का जो आरंभ है वो किसने किया था, यूनानियों ने किया था और भारतीय नाट्यकला में
योगदान किया। चूंकि प्रदा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रदा किसके देन था? यूनानियों की देन है। जो हमारे प्रदा पर था वो किसकी देन है? यूनानियों की देन है। प्रदा यूनानियों की देन था इसलिए इस पर्दे को क्या कहा गया? अवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो पर्दा है वो अवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कर्ण वंश। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मंदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।